खरगोन जिले के कसरावत खलटा का चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह बघेल के निर्देशानुसार मुखबिर की सूचना पर कसरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम निमरानी में खलटा का चौकी पुलिस ने दबिश दी। कई दिनों से अवैध सट्टा कारोबारियों के खिलाफ शिकायत को लेकर पुलिस ने दबिश दी। एसआई अशोक वर्मा ने बताया कि अवैध रूप से चल रहे सट्टे के कारोबार की सूचना पर दबिश देते हुए दो प्रकरण बनाए और सट्टा लगाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एक टीम से 6,080 रुपए वहीं दूसरी टीम से 7,550 रुपए जब्त किए हैं। मामले की जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो निमरानी क्षेत्र में अवैध रूप से सट्टे का संचालन करने वाले मुख्य आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इस कार्यवाही में गरीब लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आज निमरानी में कई दिनों से मिल रही थी सट्टे के अवैध कारोबार की, जिस पर चौकी प्रभारी बघेल साहब के निर्देश में कार्रवाई की गई। दो प्रकरण बनाए गए जिसमें 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कितनी राशि जब्त हुई? ये टीम के 6,080 और दूसरी टीम से 7,550 रुपए जब्त किए। सर कौन कौन है इसमें, किन लोगों की गिरफ्तार किया? ये सलीम, कैलाश और सुरेश, और दूसरी टीम हाँ नाम बताओ ना। सर आपका नाम? अशोक वर्मा, एएसआई। सर क्या ये सट्टा संचालन का कारोबार कौन चलाता था? मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। नहीं, मेन संचालक कौन है? मेन संचालक का नहीं पता, पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी जिस पर कार्रवाई की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आज निमरानी में कई दिनों से मिल रही थी सट्टे के अवैध कारोबार की, जिस पर चौकी प्रभारी बघेल साहब के निर्देश में कार्रवाई की गई। दो प्रकरण बनाए गए जिसमें 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कितनी राशि जब्त हुई? ये टीम के 6,080 और दूसरी टीम से 7,550 रुपए जब्त किए। सर कौन कौन है इसमें, किन लोगों की गिरफ्तार किया? ये सलीम, कैलाश और सुरेश, और दूसरी टीम हाँ नाम बताओ ना। सर आपका नाम? अशोक वर्मा, एएसआई। सर क्या ये सट्टा संचालन का कारोबार कौन चलाता था? मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। नहीं, मेन संचालक कौन है? मेन संचालक का नहीं पता, पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी जिस पर कार्रवाई की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।